राम राम जी। आज आप लोग का स्वागत है आज के ढाबा में। तो आलू लेते हैं भंडारे वाले आलू की सब्जी बनाने के लिए। से खुदा हुआ आलू है तो इसमें से थोड़ा मिट्टी ज़्यादा ही है। तो कढ़ाई में हम पानी डाल दिए हैं, चूल्हा जला दिए हैं, अब आलू को इसी में डाल देंगे। तो आलू हमारा उबल गया है तो इसको निकाल देते हैं। सरसों का तेल डाल देंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून। भंडारे वाली आलू की सब्जी में हम तड़का में क्या डालेंगे वो दिखा देते हैं। 1/2 टीस्पून जीरा, 5 छोटी छोटी लाल मिर्च, 4 छोटी हरी मिर्च इसमें कट लगा दिए हैं, 10 काली मिर्च, 1/2 टीस्पून साबुत धनिया, 2 तेज पत्ता, 3-4 पिंच हींग। तेल हमारा गर्म हो गया, तड़का डाल देते हैं। तड़का को तड़का लेंगे। एक टुकड़ा अदरक का हमने बारीक बारीक काट दिया है, आप चाहे तो इसको कूट के पीस के भी डाल सकते हैं। तड़का तड़क गया है, हम भून लेंगे 2 मिनट कम से कम। अदरक को हम बढ़िया से भून लिए हैं, अब टमाटर डाल देते हैं, छील लिए हैं, गरम गरम है, इसको तोड़ देते हैं। कुछ एकदम बारीक कर देंगे, कुछ मोटा रखेंगे। देखिए आलू को हम तोड़ दिए हैं, क्रश कर दिए हैं। अब टमाटर भी हमारा गल गया है। धनिया पाउडर 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून और लाल मिर्चा पाउडर 2 टीस्पून। लाल मिर्चा ज़्यादा इस वजह से डालेंगे क्योंकि सब्जी को चटपटी बनानी है। और 250 ग्राम दही को हम फेंट दिए हैं। आप थोड़ा सा खट्टा ज़्यादा खट्टा दोनों दही डाल सकते हैं। भंडारे वाली सब्जी ऐसी चटपटी नहीं बनती, मिर्च डालते ही है, लाल मिर्च भी डालते हैं, सूखा लाल मिर्च डालते हैं, हरा मिर्च डालते हैं, आमचूर डालते हैं, दही डालते हैं और टमाटर डालते हैं। तो सबका तिखास खट्टापन अलग अलग होता है, तभी ये सब्जी चटपटी बन जाती है। यहीं पे हम आलू डाल देते हैं। थोड़ा ज़्यादा मोटा लगे आलू कोई तो आप उसको थोड़ा ऐसे छोटा कर सकते हैं, क्योंकि जो एकदम दानेदार आलू होना चाहिए तभी भंडारे में सब्जी बढ़िया बनती है, ज़्यादा बड़ा बड़ा आलू नहीं होना चाहिए। तो सब्जी को बढ़िया से 4-5 मिनट भून दिए हैं और इसमें डालेंगे पानी 1/2 लीटर से भी ज़्यादा। आप अपने हिसाब से पानी थोड़ा कम ज़्यादा डाल सकते हैं। सब्जी ज़्यादा पतली भी बढ़िया नहीं लगती है और ज़्यादा मोटी भी बढ़िया नहीं लगती है। तो बढ़िया से पक जाएगा तो एकदम लटपट जैसा बन जाएगा। इसे खौला देते हैं। उससे पहले हम ये 4 हरी मिर्च जो तड़के में लिए थे वो भी डाल देते हैं और सेंधा नमक इसमें डाल देते हैं। सेंधा नमक डालते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही डालते हैं क्योंकि ये नमकीन कम होता है। तो इसे खौला देते हैं। यहीं पे 1 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे, कोई भी ब्रांड का दे सकते हैं आप। और सबसे लास्ट में डालेंगे आमचूर 1 टीस्पून, इसको एक बार मिला देंगे। पहले ना डालें नहीं तो सब्जी का थोड़ा कलर ना बैठ जाता है, मतलब खुल के कलर नहीं आता है। देखिए डालते ही सब्जी का कलर ठीक नहीं होता, लेकिन खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है सब्जी। और यहीं पर डालेंगे बहुत सारा धनिया पत्ता। भंडारे वाली सब्जी हमारी बन के तैयार हो गई है। आलू छील दिए हैं और आलू के जो को हम डाल देते हैं पानी में। तो चिप्स को हम काट देते हैं। आलू को भी हम धो के निकाल देते हैं। तो चिप्स को हम एक कपड़े पर डाल देंगे कॉटन के और इसको सुखा देंगे और ऊपर से भी हम एक कपड़ा रख के सारा पानी हम बढ़िया से निकाल देंगे इसके कपड़े में। तेल हमारा गर्म हो गया है तो इसमें हम डाल देते हैं चिप्स को। चिप्स छानने के लिए एकदम तेल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। इसी तरह हम सारा चिप्स बना देंगे। देखिए हम सूखी सब्जी भर्तवाजी बनाने के लिए 5 आलू पहले से उबाल रखे हैं, 5 हरी मिर्च दिए हैं, 1/2 टीस्पून जीरा दिए हैं और 15-20 काली मिर्च दिए हैं। काली मिर्च को हम दरदरा कूट देते हैं, हरी मिर्च को बारीक बारीक काट देते हैं और आलू छील देते हैं। ये देखिए जीरा और हरी मिर्च हम तड़के में दिए हैं, डाल देते हैं यहीं पर। तो देखिए इधर तेज आँच जल रहा है तो हमारा सब्जी बन चुका है। देखिए हमारा
सब्जी बन के तैयार हो गया है तो हम एक कटोरी में निकाल देते हैं। मीडियम साइज का आलू दिए हैं, आप थोड़ा आलू कम ज़्यादा डाल सकते हैं। दो टमाटर को रफली काट दिए हैं, थोड़ा सा धनिया पत्ता है। आप अगर देसी घी में नहीं खाते हैं तो रिफाइन ऑयल में भी बना सकते हैं, वनस्पति में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तड़का को तड़का लेंगे, आलू आप उबाल के भी ले सकते हैं। हमने यहाँ कच्चा आलू को छोटा छोटा पीसों में काट रखा है और इसको पानी में भिंगो कर रखे थे ताकि काला ना हो। तड़का हमारा तड़क गया है तो यहीं पे हम आलू डाल देते हैं। तो आलू उबला होता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन कच्चा आलू है तो इसको 5-7 मिनट तो भूनना ही पड़ेगा, आँच धीरे रहेगा। इसको ढक के हम और 2-2 मिनट पर 2-3 बार चला लेंगे। जब आलू पक जाएगा तब इसमें हम साबूदाना डालेंगे। आलू पकने के बाद ही आप डालें, यही डाल देते हैं साबूदाना। इसे 1-2 मिनट भून देंगे। अगर आपका साबूदाना थोड़ा सा चिपकता है तो 1 चम्मच और घी डाल दें, देखिए ऐसे बस। इसको चला दें, एकदम चिपकेगा नहीं। यहीं पर स्वाद अनुसार सेना नमक डाल देंगे। अगर आप बर्त में नहीं बना रहे हैं तो रेगुलर नमक भी डाल सकते हैं, और धनिया पत्ता डाल देंगे। हमारा खिचड़ी बन के हो गया है तैयार, अब आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कितना लजीज और टेस्टी हमारा साबूदाना की खिचड़ी बना है। इसे बनाना बिल्कुल ही आसान है।